हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी प्लस हिंदू एनालिसिस 5th अक्टूबर 2017। ठीक है, हमेशा की तरह पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लिखने में मेहनत मत करना। और दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप भी और टेलीग्राम भी। टेलीग्राम स्पेशली जनरली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो थोड़ा अपना नंबर शेयर करने में, स्पेशली गर्ल्स जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। और आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हुए अगर कुछ भी संकोच ये रह रहा है कि उस पर फालतू की बातें होंगी, फालतू के मैसेजेस आएंगे, तो वो बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि अगर एक भी फालतू का मैसेज किसी ने भेजा, उसको उसी टाइम ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप्स ज्वाइन करने का मोटिव क्या है, मैं आपको टेस्ट दूंगा रेगुलरली ग्रुप्स में। जैसे कल हमने एक टेस्ट किया था, 40 क्वेश्चन का टेस्ट था, जिसमें हमने कुछ करंट अफेयर्स और फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कवर किया था। तो उन टेस्ट का जो पीडीएफ है, वो आपको पीडीएफ लिंक एज अ पीडीएफ लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ कम्पीट करने का चांस मिलेगा, और आप अपने आप को अच्छे से देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है ना, उसके बाद GS3 देख लेते हैं सबसे पहले। तो RBI कीप्स इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज। ठीक है, तो अभी RBI की जो क्वार्टरली जो मीटिंग होती है, उसमें उन्होंने जो रेपो रेट वगैरह, जो इंटरेस्ट रेट्स जो RBI सेट करती है, उसको अनचेंज रखा है। तो काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि इकोनॉमी काफ़ी स्लो चल रही है, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है, इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, तो RBI से काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रेट जो है वो कम किया जाएगा, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में बढ़े। लेकिन RBI ने ऐसा नहीं किया, और RBI ने उसके लिए रीजंस भी दिए हैं। ठीक है, तो RBI ने उसके लिए क्या रीज़न दिए हैं? RBI का ये कहना है कि हमें रिस्क ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी, और अगर हमने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो ये इन्फ्लेशन जो हमारा टारगेट रहता है, जो टारगेट दिया गया है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कि उन्हें एक फिक्स्ड रेंज में अपना इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना है, तो अगर ये हमने रेट्स कम कर दिया तो चांसेस हैं कि ये इन्फ्लेशन उस लिमिट से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों RBI को ऐसा क्यों लगता है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी? तो RBI ने उसके लिए भी रीजंस दिए हैं कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस है, अब वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उसके रीज़न क्या है? एक तो ऑयल की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सप्लाई को कट कर दिया है। तो OPEC जो मेंबर्स हैं, उन्होंने सप्लाई को कट कर दिया है, उन्होंने आपस में संधि कर ली है कि भैया पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इसमें किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई जो है वो कम कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस है वो बढ़ेगा, और अगर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा, तेल का पैसा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो RBI ने बोली कि ये था कि हमें जो एंटिसिपेटेड था कि खरीफ क्रॉप की जो प्रोडक्शन होगी वो उससे कम हुई है, उससे वीक रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम होगी। ठीक है, अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने का जो है रिस्क है। फार्म लोन वेवर्स बाय स्टेट्स, अब काफ़ी स्टेट्स ने लोन वेव कर दिए हैं फार्मर्स के, तो अगर फार्मर्स के लोन वेव कर दिए हैं तो फार्मर्स की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई। पहले उन्हें वो पैसा लोन चुकाने में देना था, वो पैसा खर्च सकेंगे। ठीक है, तो फार्मर्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं। दूसरा, सेंट्रल 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब 7th सेंट्रल पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। दूसरी चीज़, अब ये सेंट्रल पे कमीशन को देख के जो सिमिलरली रिएक्ट होंगे वो स्टेट्स भी करेंगी, स्टेट्स की जो सर्विसेज हैं, तो अब स्टेट्स भी धीरे धीरे बात कर रही हैं कि जो हमारे स्टेट सर्विसेज में लोग अपॉइंटेड हैं उनकी भी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए। ठीक है, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी। ठीक है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था, हमने डिस्कस भी किया था कि US जो है वो अपनी बैलेंस शीट को अनवाइंड कर रहा है, जो वो सिक्योरिटीज़ जो कंटिन्यूसली परचेज कर रहा था वो उसको अब बंद करने की बात कर रहा है, तो उससे भी हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस सब रीजंस के चलते हुए RBI को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं इकोनॉमी में, और अगर हमने रेपो रेट और ज़्यादा कम कर दिया तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को उन्होंने कॉशन ये दिया, अब काफ़ी लोग जो हिंदू के एडिटर्स हैं या हिंदू में जो आर्टिकल्स लिखते हैं, जो अपने आप को RBI का गवर्नर समझते हैं, वो लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि कोई बात नहीं, आप फिस्कल डेफिसिट की चिंता मत करो, फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ता है तो बढ़ जाने दो, लेकिन आप पैसा लगाओ इकोनॉमी में। तो RBI ने गवर्नमेंट को कहा कि आप हिंदू पढ़ना छोड़ दो, और जो ऐसे एडिटोरियल्स लिख रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट की आप इतनी चिंता मत करो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन अगर होता है उसमें, थोड़ा सा बढ़ता है तो बढ़ने दो, तो RBI ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि ऐसा नहीं करना है, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। ठीक है,
उसके लिए आरबीआई ने जो हमें बताया है, आरबीआई का ये कहना है कि अगर आप फिस्कल डेफिसिट 1% टू जीडीपी इंक्रीज करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी 3% की रेंज में है, अगर आप उसको 3% से बढ़ा के 4% करते हो, तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 0.5% या 50 बेसिक पॉइंट्स जो है वो परमानेंटली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फिस्कल आपका डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन रखना है, द हिंदू नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी क्या रहा, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, आरबीआई का ये कहना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी जो उसमें कहीं एडवर्स इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पता ही नहीं कहाँ टैक्स लगना है कहाँ नहीं लगना है, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, तो उसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट को अपनी डिले कर लिया है कि भैया रुक जाओ अभी, पहले पूरी तरह से क्लियर होने दो कि क्या टैक्स लगेगा क्या नहीं। तो इनका ये कहना है आरबीआई वालों का कि सिंप्लीफिकेशन जल्द से जल्द करनी है जीएसटी रिजाइन की, और सरकार को क्या करना चाहिए, रिकैपिटलाइजेशन कर दो स्टेट ओन्ड बैंक्स की, ठीक है। अभी बैंक्स पैसा नहीं दे रहे हैं मार्केट में, क्यों नहीं दे रहे हैं, उन्हें डर है कि यार पहले से इतना एनपीए है और एनपीए ना बढ़ जाए, तो रिकैपिटलाइजेशन कर दो और स्टेट जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उन्हें प्रमोट करो कि पैसा दें। तीसरी चीज़, जो स्टॉल्ड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ये बैंक नहीं आएगा, जो स्टॉल्ड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो रुकी हुई हैं पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, उनको रीस्टार्ट करो, ठीक है। सरकार अपना पैसा लगाएगी प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो धीरे धीरे अपने आप इकोनॉमी में पैसा जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने कुछ और भी बोला। अब आरबीआई ने कहा कि जो ये बैंक रेट्स हाई रख रहे हैं, तो उन्होंने बैंक्स को थोड़ी सी झाड़ लगाई, थोड़ा गुस्सा दिखाया बैंक्स को कि आप क्या कर रहे हो, हमने तो पहले भी थोड़ा सा रेपो रेट कम किया था आप, लेकिन अपना उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर रहे हो बैंक्स, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा इसका रीज़न भी आरबीआई ने दिया कि बैंक्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। आरबीआई ने ये कहा कि जो एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट, वो लेके आए थे, जिससे वो ये चाहते थे कि अगर वो रेपो रेट अपना कम कर रहे हैं, जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है वो कंज्यूमर तक पहुँचे, कस्टमर्स तक पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले, अब आगे देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि MCLR क्या है। तो MCLR जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट था, ये आपका RBI लेके आई थी 2016 में, उससे पहले आपका बेस रेट सिस्टम चलता था 2010 तक, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम सिंपल सा बस ये समझेंगे कि MCLR है क्या। MCLR में क्या होता है, आपका जो बेस रेट होता है बैंक्स का, बेस रेट वो होता है जिस पे बैंक्स जनरली लोन देते हैं, ठीक है। बेस रेट जो बैंक्स का है वो अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड फार्मूला आप सेट होगा, ठीक है। प्री डिटरमाइंड एक फार्मूला दे दिया आरबीआई ने कि आपको इस फार्मूले के हिसाब से अपना जो है बेस रेट सेट करना है। वो फार्मूला क्या था, आरबीआई ने बैंकों को ये कहा कि जो भी आप अपना रेट सेट करेंगे वो कैसे सेट करेंगे, इट विल बी डिटरमाइंड बाय मार्जिनल कॉस्ट और द एडिशनल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग वन मोर रुपी टू द प्रोस्पेक्टिव बॉरोअर, ठीक है। जो भी आपको एडिशनल कॉस्ट लगती है किसी भी किसी को भी लोन देने में, 1 रुपये का लोन देने में आपको जो भी एडिशनल कॉस्ट लगती है, आप उस हिसाब से जो है अपना बेस रेट सेट करोगे। तो आरबीआई ने ये बोल दिया। लेकिन अब आरबीआई को दिखा कि ये सब एमसीएलआर लाने के बाद से भी जो ट्रांसमिशन होना चाहिए, मॉनेटरी रेट ट्रांसमिशन होना चाहिए और बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए जिस रेट पे वो लोन देते हैं, वो नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि एमसीएलआर जो है वो एक तो सिंक में नहीं है ग्लोबल प्रैक्टिसेस से, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एमसीएलआर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन दे दी बैंक्स को जिससे वो अपना लेंडिंग रेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से बैंक्स जो हैं, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई अपना रेपो रेट कम भी कर रही है, तब भी बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अब आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि जो आरबीआई की एक कमेटी है उसने सजेस्ट किया है कि आप ये एमसीएलआर को बंद करो और स्विच ओवर कर दो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क को। एक्सटर्नल बेंचमार्क में ये होगा कि आरबीआई एक बेंचमार्क सेट कर देगी कि भैया आपको इंटरेस्ट रेट जो है इतने से इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और क्या बोला आरबीआई की इस रिपोर्ट में, आरबीआई ने ये बोला कि जो इंटरेस्ट रेट है, अब उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट रेट एनुअल फ्रीक्वेंसी पे सेट किए जाते हैं, ठीक है। अब एनुअल फ्रीक्वेंसी पे सेट करने की वजह से क्या होता है कि आरबीआई ने अगर अपना रेपो रेट आज कम किया तो बैंक्स 1 साल बाद जाके अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम आ जाता है मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में। तो आरबीआई ने इसके लिए ये सजेस्ट किया है कि जो ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंटरेस्ट रेट रीसेटिंग की, वो एनुअल की जगह क्वार्टरली कर दो आप, ताकि जो है आपका जो मॉनिटरी ट्रांसमिशन है वो फास्ट हो जाए। अब दोस्तों ये न्यूज़ आपको ना किसी भी, जो ये हमने सारा आरबीआई का कवर किया है कि आरबीआई क्यों पॉलिसी लेता है, कैसे करता है, क्यों करता है, उसने क्या सजेस्ट किया है, क्या प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये आपको किसी भी यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा जहाँ तक मैंने चेक किया है, ठीक है।
काफ़ी सारी साइट्स हैं जैसे इनसाइट्स जो कवर करती हैं न्यूज़ करंट अफेयर्स, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा कल की न्यूज़ में जो उन्होंने 5 अक्टूबर की न्यूज़ जानी है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये उन्हें ऐसा लगता है कि प्री में इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और जो भी उनकी थिंकिंग है। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। अब यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स होंगे जो 2-3 दिन बाद जब ये एडिटोरियल्स आने शुरू होंगे वो क्लियरली बस आरबीआई को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे कि आरबीआई तो खुद्दू है, आरबीआई के गवर्नर तो पागल हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर रही, फलाना ढिमकाना। वो स्टैंड, वो आपको पास व्यू पॉइंट नहीं रखेंगे ना तो आरबीआई का ना किसी चीज़ का, और वो लोग इन एडिटोरियल्स को कवर करेंगे यूट्यूब पे 20-20 मिनट की वीडियोज़ में। मैं ऐसे एडिटोरियल्स को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें आंसर्स लिखने हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ किया है तो उसका स्टैंड क्या है, ठीक है। तो ओपनली बस क्रिटिसिज्म में लग जाओ और वो सब नहीं चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए जिसको काफ़ी लोगों ने कवर तक नहीं किया, और आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। उसके बाद देख लेते हैं द टेलीकॉम बैटल लाइंस। अगेन ये न्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप हिंदू पढ़ते हो तो आपने पढ़ी होगी, नहीं तो अगर आप सिर्फ यूट्यूब चैनल और वो इनसाइट्स विनसाइट्स देखते हो तो कहीं कवर नहीं हुई है। अभी ये इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस क्या होती है? इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस आपके वो होते हैं, इसको मैं आपके एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई को कॉल कर रहा है, ठीक है, एक्स के पास जो सिम कार्ड है वो आइडिया कंपनी का है और वाई के पास जो सिम कार्ड है वो वोडाफोन का है। तो एक्स जब वाई को कॉल करेगा, ठीक है, तो वाई के पास तो इनकमिंग कॉल हुआ और एक्स का आउटगोइंग कॉल हुआ। तो आउटगोइंग कॉल वाला जो आइडिया वाला है, जो एक्स है, वो वाई का जो सब्सक्राइबर है एयरटेल, तो आइडिया एयरटेल को पे करेगा पैसे, ठीक है, समझ गए ना। अब आइडिया के नंबर से कॉल किया जा रहा है एयरटेल के नंबर पे, तो आइडिया एयरटेल को पे करेगा। इसका रीज़न क्या था कि भैया अब आइडिया वाला, तो आइडिया का जो सब्सक्राइबर है वो तो आउटगोइंग कॉल कर रहा है तो आइडिया वाला को तो पैसा मिलेगा, पर कॉल चार्ज लगाएगा आइडिया और उसका बिल बनेगा। लेकिन जो एयरटेल है, एयरटेल का जो सब्सक्राइबर है उसके पास तो कॉल आ रहा है, उसका तो इनकमिंग कॉल है, तो इनकमिंग कॉल वाले को तो कुछ चार्ज लगता नहीं है, ठीक है ना। तो एयरटेल वाला कहेगा यार ये तो मेरे को नुकसान हो गया, तेरा बंदा तो कॉल कर रहा है, तेरे को पैसा मिल रहा है, मेरे बंदे के पास कॉल आ रहा है, मेरे को तो कुछ कमाई हो ही नहीं रही, ये तो नुकसान की बात हो गई, तो मैं तुझे क्यों कॉल करने दूं अपने नेटवर्क पर। तो आइडिया वाला एयरटेल वाले को कहता है कि भाई शांत हो जा, ऐसा नहीं करते, मेरे को जो पैसा मिलेगा ना उसमें से कुछ परसेंटेज पैसा मैं तेरे को दे दूंगा, तू कॉल आने दे अपने बंदे के पास, ठीक है। तो एयरटेल वाला कहता है ठीक है, तू मुझे इतना परसेंट पैसा दे देना और उसके बाद जो तेरा सब्सक्राइबर है वो मेरे सब्सक्राइबर को कॉल कर सकता है। तो ये आपका जनरली होता है इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है, जो आपका रेगुलेटर है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अब वो ये बात कर रहे हैं कि हम जो ये आपका इंटर कनेक्शन यूजेज चार्जेस है उसको स्लैश कर देंगे। पहले इन्होंने डायरेक्ट किया था मोबाइल कंपनीज को स्लैश करने के लिए चार्जेस बाय 57%, ठीक है। तो वो 14 पैसे लगता था पहले पर मिनट, उसको करके 6 पैसे कर दिया था अक्टूबर 1 से, और अब ट्राई ये कह रहा है कि हम इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, जो ये चार्जेस लगते हैं हम इनको कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे January 1, 2020 तक, ठीक है ना। अब कंट्रोवर्सी कहाँ से है? कंट्रोवर्सी कहाँ होती है? अब जियो के आने के बाद जो मुकेश अंबानी साहब हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, ऐसा ये सब इंटरकनेक्शन चार्जेस वगैरह नहीं होने चाहिए, सीधा सीधा ये होना चाहिए कि जिस नंबर से कॉल जा रहा है, अगर जियो के जियो का कस्टमर कॉल कर रहा है और एयरटेल के कस्टमर को कर रहा है, एयरटेल के कस्टमर को कर रहा है, तो जियो वाले जियो से चार्ज ले लेंगे कस्टमर से, क्योंकि वो आउटगोइंग कॉल कर रहा है, वो किसी को कॉल कर रहा है तो वो चार्ज ले लेंगे। लेकिन जियो वाले किसी को लायबल नहीं होंगे पे करने के लिए कि हाँ भाई एयरटेल के नंबर पे फ़ोन किया तो हमें एयरटेल वालों को पे करना है, तो जियो वाले तो इस फेवर में है। लेकिन बाकी की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, इससे हमारा जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो एक एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि इन कंपनीज़ को एनुअली कुछ 5,000 करोड़ का लॉस हो जाएगा, और सिमिलरली बेनिफिट जो होगा इतना ही वो जियो को होगा। अब ट्राई ने इसके लिए क्या रीज़न दिए हैं? अगर आप अब सेम अगर आप सिर्फ हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो और हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो और आप ट्राई का स्टैंड नहीं देख रहे कि ट्राई ने इस पर क्या स्टैंड लिया है, तो आप तो सीधा यही बोलोगे क्योंकि एडिटोरियल्स ये बोलते हैं कि बिक गई है तो गवर्नमेंट,
आप यही बोलोगे ये तो गवर्नमेंट बिक गई, ये तो मुकेश अंबानी के हाथों बिक गई गवर्नमेंट, और बाकियों का नहीं देख रही, ये तो बस ये देख रही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्राई ने इसके लिए क्या रीजंस दिए हैं। सबसे पहली बात तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि हमने जब देखा था आइडिया और एयरटेल का एग्जांपल, तो आइडिया वाला कुछ पैसे एयरटेल वाले को दे रहा था, एयरटेल को दे रहा था, तो वो पैसा ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी जेब से दे रहा था, वो पैसा कस्टमर से ही चार्ज कर रहा था। अब जब आइडिया वाले को एयरटेल को कुछ पैसा नहीं देना होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कंज्यूमर से भी कम चार्ज करेगा, तो कंज्यूमर को तो इस पे बेनिफिट होगा ही होगा। दूसरी चीज़ जो ट्राई ने ये बोला कि इसकी वजह से क्या होता है, एडिशनल जो चार्जेस लगते हैं उसकी वजह से डिस इंसेंटिव होता है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ पाती, जैसे वोल्ट, और लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन नहीं हो पाता इंडस्ट्री का, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ये फालतू के चार्जेस लग रहे हैं उनको हटाया जाए। तीसरी चीज़ जो ट्राई बोलती है कि भैया अब ये व्हाट्सएप कॉलिंग आ गई है, स्काइप कॉलिंग आ गई है, आप इंटरनेट कनेक्शन लो और व्हाट्सएप और स्काइप से कॉल करो, तो एक पैसा तक नहीं लगता, मतलब आपका ये होता है कि इंटरनेट का जो चार्ज लगता है सिर्फ वो लगता है, और आपका कॉलिंग चार्ज नहीं लगता। और अगर आप उसकी कॉस्ट देख के आओ कि जो आप व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल करते हो, तो वो आपकी फ्रैक्शन ऑफ अ पैसा निकल के आती है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ अ पैसा निकल के आती है। तो ट्राई का ये कहना है कि भैया इनसे कैसे कम्पीट करोगे, अगर ये फालतू के एडिशनल चार्जेस लेते रहोगे, व्हाट्सएप स्काइप वगैरह से कैसे तुम कम्पीट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो MTC चार्जेस हैं इनको हटा दिया जाए, तो ये ट्राई का स्टैंड था। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, रजनीश कुमार इन न्यू CBI चीफ। तो ये बेसिक सी बैंकिंग वैंकिंग के पेपर में पूछ सकते हैं। अभी तक अरुंधति भट्टाचार्य थी आपकी, अब उनका टर्म जो है ख़त्म हो गया, तो अभी रजनीश कुमार जो हैं वो चीफ बनेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ इन तीन लोगों को मिला है, रिचर्ड हेंडरस्टन, जॉर्जिन फ्रैंक और जैक्विस डुबेचेट, ठीक है। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस लिए मिला है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का काम क्या होता है, इट सिंप्लीफाइज एंड इम्प्रूव्स द इमेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे आपके प्रोटीन, DNA, RNA वगैरह, उनकी जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो अच्छे से बना देता है, और ये 3D में आपको रिप्रेजेंट कर देता है। उसका एक एग्जाम्पल है जो जीका वायरस का आपका 3D मॉडल विजुलाइज किया था कायरो EM ने, उसने काफ़ी हेल्प किया था रिसर्चर्स को। अब इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता नहीं है जानने के लिए, अपने लिए साइंस में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है कि DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, चलो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको, बस ये पता होना चाहिए कि ये जो इन्होंने डेवलप किया है उसने किस तरह से हेल्प किया, बहुत ज़्यादा साइंस में हम नहीं घुसेंगे। नेक्स्ट, ये हम 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा इसमें एडिटोरियल में कुछ आया था तो वो देख लेते हैं क्या है। 4 अक्टूबर का करंट अफेयर्स आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि फिज़िक्स में किसको किस लिए और क्यों जो है नोबेल प्राइज़ मिला है। तो नोबेल प्राइज़ आपका मिला था जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो इन्होंने डिस्कवर की थी स्पेस में, तो ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो वो एडिटोरियल में कुछ डिस्कस किया गया था। वो डिस्कवरी एक तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि अर्ली डेज ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्टेंस, जो आपको उसके बारे में कुछ पता चलेगा, क्योंकि हमने देखा कि 2015 में जो ग्रेविटेशनल वेव्स हमने लीगो से ट्रैक की थी, वो 1.3 बिलियन ईयर्स पहले जनरेट हुई होगी, और वो अर्थ पे 1.3 बिलियन ईयर्स बाद पहुंची है। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी पुराने टाइम का कोलिजन होगा वो कोई, और उसकी वेव्स अब जाके अर्थ पे पहुंची है, तो हम उससे जो अर्थ यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ब्लैक होल्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, अब ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं अर्थ से, उनको ईजिली हम मैप कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अब इसकी वजह से और भी जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जैसे जापानीज़ काग्रा डिटेक्टर हो गया, ठीक है, जो 2019 में काम करना शुरू करेगा, या लीगो इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है जो 2024 से एक्टिव हो जाएगा, उससे और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स को ट्रैक करने की, ठीक है, और उससे हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वगैरह के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, टर्टल सेंचुरी पार्क टू बी सेट एट अलाहाबाद, ठीक है। तो बेसिक सी इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, तो कुछ एक टर्टल सेंचुरी पार्क बनाने की बात कर रहे हैं अलाहाबाद में, ठीक है। रिवर बायोडाइवर्सिटी पार्क, एक संगम, आपका संगम क्या है, संगम आपका अलाहाबाद में है, जहाँ पे आपकी गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती मिलती है। बाकी इसको PDF में से एक बार रीड मार लेना, बाकी बहुत कुछ इसमें समझने वाला नहीं है। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स रीनेमिंग ऑफ कांडला पोर्ट एज दीनदयाल पोर्ट। इस न्यूज़ को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो कैबिनेट ने कहा है कि जो गुजरात में आपका कांडला पोर्ट है, अब उसको रीनेम करके दीनदयाल पोर्ट रखेंगे। जनरली क्या होता है, जो आपके मेजर पोर्ट्स होते हैं वो सिटी के नाम पे होते हैं, जिस सिटी में वो होते हैं, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम इसको दीनदयाल पोर्ट जो है नाम रख देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, GS2 में आपके पास क्या था, जापान सिग्नल्स इंटेंट ऑन सिल्क रोड।
तो अभी तक हमें लगता था कि इंडिया जापान बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त अभी भी हैं, लेकिन जापान ने अब कुछ अपने सिग्नल्स दिए हैं कि वो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी थोड़ी सी एडवांटेज लेना चाहेंगे। ठीक है, वो कहाँ से एविडेंट होता है? अभी जो जापान का एक मेजर लॉजिस्टिक जाइंट है निप्पॉन एक्सप्रेस, ठीक है, उन्होंने मेजर कार्गो डील साइन की है कजाकिस्तान के स्टेट रेलवे कंपनी के साथ। इस कंपनी इस एग्रीमेंट में क्या है, दोनों कंपनीज़ ने ये डिसाइड किया है कि वो ट्रांसपोर्ट करेंगे गुड्स को फ्रॉम चाइनाज ईस्ट कोस्ट टू यूरोप थ्रू सेंट्रल एशिया। ठीक है, वो चाइना का जो चाइना ने अपने ईस्ट कोस्ट से लेके यूरोप तक थ्रू सेंट्रल एशिया जो रेलवेज का डेवलपमेंट किया है, जो रेल ट्रैक बनाया है, वो उसको यूज़ करके अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, चाइनीज पोर्ट पे आपका जो लियांगुंग पोर्ट है ईस्ट चाइना सी पे। अब इसको स्टील सिल्क रोड बोला गया। स्टील सिल्क रोड क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर रेलवेज का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, रोड्स नहीं है, रेलवेज हैं, रेल ट्रैक्स हैं, तो इसीलिए इसको स्टील सिल्क रोड बोला जाता है। ठीक है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ बीआर। ठीक है, वो मोस्ट विजिबल है, काफ़ी चाइनीज इसमें इन्वेस्टमेंट रही है और ये जो मेजर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को। ठीक है, जापान का जो मेगा बैंक है इंक्लूडिंग बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी हैव ऑल्सो बीन लुकिंग फॉर एक्सपेंडिंग देयर चाइनीज ऑपरेशन इन व्यू ऑफ द बीआरआई। ठीक है, तो ये भी एक सिग्नल मिलता है कि जापान की जो ग्रोइंग अट्रैक्टिवनेस है टूवर्ड्स द चाइनीज वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। प्राइम मिनिस्टर एब ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है बीआरआई में, ठीक है ना, लेकिन अभी तक जापान जो था वो अभी तक टोक्यो ने जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है चाइना ने, उसमें अभी तक जापान ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। जो प्रोजेक्ट जो बैंक AIIB आपका बनाया गया है फॉर स्पेसिफिकली फंडिंग दी बीआरआई प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें अभी तक जापान ने कुछ खास रोल अपना नहीं पे किया है। तो ये सारा हमें पता चलता है कि जापान जो है अब धीरे धीरे देख रहा है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कैसे फ़ायदा उठा सके अपनी खुद की इकोनॉमी के लिए और अपनी खुद की एडवांटेज के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ था इसमें, अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 8 out of 10 इंडियंस हरास्ड ऑनलाइन, तो ये एक सर्वे निकाला था आपका साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन फर्म जो नॉटन है उन्होंने एक निकाला था। तो उनका ये कहना है कि 10 में से 8 लोग इंडिया में जो ऑनलाइन हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं हरासमेंट, ठीक है, जिसमें से 40% जो औरतें हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट विटनेस करती हैं ऑनलाइन, आपका फेसबुक या कुछ भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये सेक्सुअल हरासमेंट जो है 41% वुमेन जो हैं वो करती हैं। और इनमें से जो भी अब्यूज़ या इंसल्ट जो भी होता है, जो मोस्ट कॉमन वे ऑफ हरासमेंट है ऑनलाइन, वो है आपका अब्यूज़ एंड इंसल्ट्स फॉलोड बाय मेलिशियस गॉसिप्स एंड र्यूमर्स, मेलिशियस कमेंट्स, थ्रेट्स और ऑन अ सोशल मीडिया साइट। अब इस स्टडी ने ये भी बोला कि जो एशिया पैसिफिक के 4 कंट्रीज़ को इस स्टडी ने देखा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जिसमें थे, उसमें से इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन हरासमेंट पाई गई है। ठीक है, इन 4 कंट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन हरासमेंट विटनेस हुई है वो इंडिया में हुई है। और इस स्टडी का ये भी कहना है जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं या जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब है वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं टूवर्ड्स सीरियस थ्रेट्स ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट। उसको इन्होंने दिखाते हुए कहा कि 71% पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड पुअर मेंटल हेल्थ रिपोर्टेड रिसीविंग थ्रेट्स ऑफ फिजिकल वायलेंस वाइल 67% पीपल वर साइबर बुलेड। ठीक है, जो भी अपने डिसेबल्ड और मेंटली अनस्टेबल लोग हैं उनमें से 71% लोगों को फिजिकल वायलेंस का थ्रेट मिला है ऑनलाइन आपका। ठीक है, सिमिलरली ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट वॉज रिपोर्टेड टू बी द हाइएस्ट इन दिल्ली। आपकी सेक्सुअल हरासमेंट दिल्ली में हाइएस्ट रिपोर्ट की गई है एंड मुंबई में 43% फॉलोड बाई कोलकाता एंड बेंगलुरु। तो इसको मेंस के कभी कहीं आंसर में आप लिख सकते हो अगर कुछ सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड या ऑनलाइन प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ आ जाता है तो। उसके बाद पैनल ऑन वाटर रिकोर्स इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग विल बी हेडिंग अ कमेटी टू स्टडी एंड ऑफर सजेशंस ऑन हाउ टू बेटर यूटिलाइज द वाटर रिसोर्सेज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आती रहती है, तो ये बाढ़ ना आए और पानी को कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके उसके लिए कमेटी बनाई गई है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के अंडर। कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट 2018 में सबमिट करेगी। ठीक है, कमेटी वुड फैसिलिटेट ऑप्टिमाइजिंग बेनिफिट्स ऑफ एप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रिड्यूस फ्लड डैमेज, इरोजन, तो इन सब में जो है कमेटी का ध्यान रहेगा। उसके बाद आपकी ये दूसरी एक न्यूज़ थी, ईसी रेडी फॉर साइमल्टेनियस पोल्स बाय सितंबर। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर नेटवर्क। इस ऐप का जो मेन मोटिव है जो ईसी ने बताया है वो ये रहेगा कि हम इलेक्शंस कंडक्ट करा पाएँ साइमल्टेनियसली सेंटर और स्टेट में। तो उसके लिए अभी सरकार ईसी का कहना है कि लॉजिस्टिकली जो हम इक्विप हो जाएंगे 2018 तक साइमल्टेनियस पोल्स के लिए। उस पर GS1 में ये श्यामा जी कृष्ण वर्मा का 160th बर्थडे था तो पीएम ने ट्वीट वगैरह भी किया था। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा भैया, कहीं नहीं मिलेगा। श्यामा जी कृष्ण वर्मा के बारे में किसी ने कवर नहीं किया। तो श्यामा जी कृष्ण वर्मा का 160th बर्थडे था, पीएम ने ट्रिब्यूट पे किया इन्हें। ही वॉज दी फाउंडर ऑफ ये ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। प्री में सीधा 3-4 ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने बनाई है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी आउट ऑफ इंडिया, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस एंड इंडिया सोशियोलॉजिस्ट, तीनों जो थी आपकी लंदन में थी। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज, समाज है ये, ठीक है, आर्य सेन नहीं, आर्य समाज। ही इंस्पायर्ड वीर सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर को इन्होंने ये इंस्पायर किया था। वॉज अ बैरिस्टर इन लंडन बट वॉज बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग बाय द इनर टेम्पल फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इनर टेम्पल, ठीक है। इनर टेम्पल एक वहाँ पर बॉडी है लंडन में, तो उनके वहाँ पे उन्होंने बार कर दिया था इनको प्रैक्टिस करने से, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये कलोनियल गवर्नमेंट जो है यूके की वो उसके अगेंस्ट बहुत कुछ लिख रहे हैं। बट दिस इनर टेम्पल पॉस्टमसली रीइंस्टेटेड हिम इन 2015। हालांकि उनकी डेथ हो चुकी थी लेकिन फिर भी सिम्बॉलिकली उन्होंने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की और उनको रीइंस्टेट किया 2015 में। आफ्टर आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही शिफ्टेड टू स्विट्जरलैंड एंड डाइड देयर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू जब हो गया तब उसके बाद वो स्विट्जरलैंड चले गए और परमानेंटली वो वहीं पर रहे और वहीं पर उनकी जो है डेथ हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए और वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।